वो कहाँ गया इतना नहीं दिखाई दे रहा, वो कहाँ गया इतना नहीं दिखाई दे रहा। कोबरा को निकाल दे बता रहे हैं। छोड़िए मिल गया। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से आपको करीब से लेके चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। किसका है ये? भैया खोलिए तो दोस्तों आ चुके हैं। एक कुआं है और उसके अंदर एक सांप है और क्या भैया मगर गो है, गांव में उसको बोलते हैं अलग अलग। दो मगर गोट है, एक सांप। भैया इसके अंदर लिए होते तब तो होता ही है दोस्तों, कभी कभी पॉलिटिकल लिजार्ड दोस्तों खाने के लिए कोबरा सांप आता है। बहुत बार मैंने देखा भी है कि इस खोपड़ा को कोबरा सांप खाए हैं। बगल में जो है उसका जो होल है या तो इससे आया होगा और या पाइप दांत लगी है ऐसा मंजर दोस्तों जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है। ये बहुत खतरनाक स्थितियां होती है, इन मेजबानों को बचाने के लिए जीवन से खेलना पड़ता है। भैया एक बार ये बताएं पाही किसकी है ये? सामने देखा इसको कौन था? अच्छा आप देखे, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ यादव। जगन्नाथ यादव, तो चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई और इन मेजबानों को निकालते हैं। बैग लाएं, बैग इधर से आइए, इधर से दूर रखें। तो दोस्तों चलते हैं कुएं के अंदर उन तीनों बेजवानों को बचाने के लिए। एक बड़ी कहावत याद आती है दोस्तों कि जाको रखे सैया और माना सके, एक ही में सब लोग हैं। देख लीजिए ये आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं। चलिए फिर ये आप लोग थोड़ा दुआ दीजिएगा। मत सूरज हिल जाता अच्छा मॉनिटर ले जाए, इसी के नीचे घुस के नीचे बैठे हुए हैं भैया। ये सीढ़ी निकाली जरा तू और चलिए हो गया। चलिए देखते हैं ये पहले भी मगर गोटा है कहाँ। दूर किरवो में हिल जा पूरा हां या देखा नहीं हुआ। अरे ती दूध वाला बोलता है भैया, शांति नहीं बना रहे आप लोग। देखो बस ओ काम है हां, ये पूछ है, देव इधर पूछ दिखाई दे रहा है। एक मिनट देख थोड़ा शांति रखेंगे वो कहाँ गया है कोई नहीं दिखाई दे रहा, फंस गया है इस तरह से। हाँ यहाँ अभी भैया बैग दीजिए, पहले तो कोबरा को निकाल दे बता रहे हैं। छोड़िए मिल गया।
दोस्तों आप इसको देख लीजिए, ये हमारे भारत का भारतीय नाग है। दोस्तों इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक। इसके काटने के बाद सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। ये भी दोस्तों भोजन की तलाश में इस चूहा खाता है, तो हो सकता है रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में या तो इन बीस खोपड़ा को खाने के लिए, मतलब मगर को खाने के लिए आया हो। अभी छोड़ी जा रहा है, अब आए जहाँ छोड़े तू तो बोला है बहुत दिन से गिरा आज से नहीं। चलिए भैया कोबरा तो पैक हो गया, अब निकालना है बिस्कुट खोपड़ा। खोपड़ा अब हम आगे ना खेल रहे हैं, जाते हैं सिर्फ शांति चाहिए भैया। अरे शाम बाद जाए पूछिए फिर शांति बनाए। ये देख रहे हैं आप लोग दोनों एक साथ हैं। चलिए दूसरा बैग दीजिए। ये कोबरा सांप की तरह ये भी फूंक मारता है। चढ़ जाओ। काफी खाए पिए घर से हैं। इनका पसंदीदा भोजन दोस्तों जो होता है वो छोटे छोटे काकरोच तिलचट्टा या छिपकलियों को खा करके अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। हालांकि दोस्तों ये स्वयं भी एक बड़ी छिपकली है। ये दोस्तों आप देख लीजिए, इसकी पूरी लंबाई हमारे भारत में लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। तो दोस्तों एक होता है कोमोडो ड्रैगन जो हमारे भारत में नहीं मिलता है, ठीक इसी प्रकार से वो भी रहता है, लेकिन वो दोस्तों बहुत ही खतरनाक और जहरीला होता है। इसके काटने के बाद दोस्तों हालांकि ये जहरीला तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारियां हो सकती है। तो ये बेचारा आए दिन एक अंधविश्वास रहता है। लोग कहते हैं ये बीस खोपड़ा है, लेकिन दोस्तों इसी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अंडे से बाहर निकलते हैं, जिसको भितनुआ कहते हैं, वो भी दोस्तों कोई बीस खोपड़ा जैसी कोई चीज़ हमारे भारत में नहीं है। चलिए दोस्तों अब बचा है एक, ये लग रहा है भैया काफी दिन से गिरा गया। आराम से करवा।
ये बाहर निकली हम तो दोस्तों इस प्रकार से इन कामों को करते करते आगे भी करते रहेंगे। इन बेजवानों को बचाने के लिए काफ़ी दूरी पर आ चुके हैं, इस समय टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इंतज़ार कितना हुआ आपका? नौ बजे से शाम 9 बजे। मुझे शाम के समय रिप्लाई आप लोग का आया कि आज नहीं आ सकते, कल मॉर्निंग में आएंगे, तब यहाँ हम बंद करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार से बेजवानों को बचाने के लिए आप भी इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिएगा। आपके भी घर के आसपास कहीं कहीं कुएं होंगे, कोई न कोई परिस्थितियां होती हैं तो उसमें बेजवान बेचारे आए दिन गिर जाते हैं भोजन की तलाश में, या तो रात के समय भ्रमण करते समय। गर्मी का महीना दोस्तों ये चल रहा है, बारिश होगी और बारिश में सांप बहुत ज़्यादा निकलेंगे। आप अपने हाथों में टार्च रखिए, कहीं भी कदम रखिए तो उजाले में रखिए। जैसे ही अगर सांप दोस्तों काटता है तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएँ, किसी भी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें, सीधा हॉस्पिटल जाएँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।